नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। तो आज हम एक ऐसे गेम के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग रियल लाइफ में खेलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस गेम का नाम है रूबिक क्यूब, जो कि हम लोग अक्सर जो लाइफ में खेलते रहते हैं बट सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसको 100% सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये इसको इधर उधर कर लेते हैं, उसके बाद वापस से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस गेम में इंटरेस्टेड हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम किसी एक कलर को लेकर चलेंगे और प्लस सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ देखते हैं चलेंगे कि ये बीच वाले पीसेस मैच होते जाएँ। तो इसके लिए हम किसी भी एक कलर को लेकर चलते हैं, जैसे कि हम ब्लैक लेकर चल रहे हैं। ब्लैक और ब्लू मैच करेंगे पहले। तो हमारा ये पीस यहाँ पर है, इसके लिए हम एक बार नीचे जाएंगे, दाईं तरफ घुमाएंगे जिससे हमारा ब्लू मैच हो जाए, और इससे दो बार ऊपर की तरफ घुमाएंगे ताकि ब्लैक भी मैच हो जाए। इसी तरह हम सारे पीसेस को मैच करेंगे। हमारा ये है रेड और ब्लैक, इसके लिए हम एक बार इसे घुमाएंगे ऊपर की ओर, फिर नीचे ले जाएंगे, दाईं तरफ से घुमाएंगे और इसे ऊपर की ओर दो बार घुमाएंगे जिससे हमारा ये मैच हो जाए रेड, और हमारा ग्रीन भी मैच हो गया है। अब बचा है ऑरेंज, ऑरेंज और ब्लैक यहाँ पर है। इसे मैच करने के लिए हम यहाँ पर ले आएंगे, इसे पीस को नीचे ले जाएंगे ताकि हमारा ऑरेंज मैच हो जाए, और इसे वापस ले आएंगे जिससे हमारा ब्लैक मैच हो जाए। और हमारा इसी के साथ ये प्लस भी सॉल्व हो चुका है। अब हम फर्स्ट लेयर को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो है सारे कलर्स अपनी फर्स्ट लेयर में सही जगह पर नहीं है। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि ये जो ब्लैक कलर है जो कि हमें ऊपर लाना है, ये इस यहाँ पर हो, इस थर्ड रो में, इस पर। तो हमारा एक पीस है ये ग्रीन और रेड, इसके लिए ये पीस यहाँ का है। हम इसे एक बार नीचे लाएंगे, इसे वापस ले जाएंगे और इसे ऊपर करेंगे। तो हमारा एक पीस सही जगह पर आ चुका है। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा पीस, तो जैसा कि हमने कहा था ये ब्लैक इस रो में होना चाहिए, इसके लिए हम देख लेंगे इसे कि ये इस रो में है कि नहीं। ये हमारा ब्लैक इस रो में आ चुका है और हम देखेंगे कि ये हमारा क्रॉस ना बिगड़े, ये पीस यहीं का है। इसके लिए हम एक बार नीचे लाएंगे, इसे वापस ले जाएंगे और ऊपर की तरफ घुमाएंगे। तो हमारा ये पीस भी सही जगह पर आ चुका है। उसी के साथ है हमारे दो पीसेस सॉल्व हो चुके हैं और हमें दो पीसेस सॉल्व करने हैं। तो ये रहा एक पीस, ये पीस है रेड और ब्लू यहाँ का पीस है। तो हमने कहा था थर्ड रो में ऐसे इसे रखना है और इसी के साथ इसे ऊपर लेकर जाएंगे। और एक पीस बचा, तो हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे, इसके लिए थर्ड रो में हमें लाना पड़ेगा। ये आ गया ब्लैक थर्ड रो में, अब इसे अपनी जगह पर ले जाएंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेयर पूरी तरह से ये सॉल्व हो चुका है और हम अब सेकेंड लेयर को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें देखना होगा ये जो पीस है, जैसे कि हम हरा मैच कर चुके हैं तीन, और ये पीस यहाँ जाएगा। तो इसके लिए हम इसे नीचे लाएंगे, इधर घुमाएंगे, इसे वापस ले जाएंगे, फिर इसे राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे और यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये दोनों पीस अपने सही डायरेक्शन में ना आ जाए। और हमारा ये दो पीस अपने जगह पर आ चुका है, इसके लिए हम ऐसे करके इसे वापस ले जाएंगे और हम इस पीस को यहाँ पर ले जाएंगे। देखिए, इसे एक बार नीचे ले जाएंगे, इसे वापस ले जाएंगे और इसे ऊपर घुमाएंगे। ये हमारा पीस सही जगह पर आ चुका है, अब ये पीस हो गया। तो हमें ऑरेंज और ब्लू चाहिए, हमारा ऑरेंज और ब्लू यहाँ पर है, कोई बात नहीं। हमारे पास एक रेड और ग्रीन पहले से मौजूद है,
तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। नीचे लाएंगे, बाईं हाथ की तरफ घुमाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, वापस ले आएंगे और इसी प्रोसेस को करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये सॉल्व ना हो जाए कॉलर। देखिए हमारा रेड और ग्रीन अपने जगह पर आ चुका है और इसे वापस ले जाएंगे यहाँ पर ऊपर, ये इसका है, इस ये हमारा अपनी सही जगह पर आ चुका है पीस। अब इसे देखेंगे, इसके लिए हमने कहा था ये तीन कलर मैच होने चाहिए और हम इसे उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। हाथ हमारा इधर है बायां हाथ, तो हम इसे बाएं हाथ की तरफ घुमाएंगे क्योंकि हमारे जो कलर्स थे वो दाहिने हाथ की तरफ कब से थे, अब बाएं हाथ की तरफ है। तो इधर घुमाएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे, ऊपर ले जाएंगे, बाईं तरफ घुमाएंगे और यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये क्यूब्स सेकेंड लेयर सॉल्व ना हो जाए। और हमारा देखिए ये दो कलर मैच हो चुका है। अब हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे अपने सही जगह पर, तो यहाँ पर ये नीचे लाएंगे, इसे दाईं तरफ घुमाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा दो लेयर सॉल्व हो चुके हैं। अब हमें थर्ड लेयर सॉल्व करना है, तो इसमें हमें पहले प्लस सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम ऐसे हैं, ये हमारा दो पीस पहले से सॉल्व है, इसके लिए हम इसे ऐसे रखेंगे और पहले दाएं हाथ की तरफ से ऊपर, पीछे वाले को फिर ऊपर करेंगे, इसे बाईं ओर एक बार घुमाएंगे और पीछे वाले को फिर वापस ले जाएंगे और इसे अपनी जगह पर ले आकर इसे भी वापस ले जाएंगे ताकि हमारा नीचे के कलर ठीक रहे और हमारा ऊपर के कलर चेंज हो। तो हम ये लाइन सॉल्व कर चुके हैं, अब इसे ऐसे रख के अपनी तरफ और एक बार सेम प्रोसेस दाईं तरफ से ऊपर, पीछे वाले को एक बार ऊपर, इसे बाईं तरफ घुमाएंगे, पीछे वाले को वापस ले जाएंगे और इसे वापस ले आएंगे। ये हमारा ब्लैक सॉल्व हो चुका है और इसे वापस ले जाएंगे, तो हमारा इसी के साथ प्लस ये जो है क्रॉस सॉल्व हो चुका है। अब हम कलर्स मैच करेंगे बीच वाले सारे, तो घुमा कर देखेंगे इसे, हमारे कोई दो कलर्स मैच हो रहे होंगे। ये देखिए हमारे ऑरेंज और ब्लू मैच हो रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा एक जो है सॉल्व साइड बाईं हाथ की तरफ और एक हमारे अपोजिट साइड में हो। अब इस हाथ से इसे ऊपर करेंगे, दो बार इस तरह से घुमाएंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, इसे घुमाएंगे ऊपर वाले को, इसे वापस ले आएंगे और ये हमारा जो कलर है सॉल्व हो चुका है। अब इसे नीचे ले जाएंगे और इस बीच वाले कलर को फिर मैच करके देख लेंगे। हमारे देखिए सारे बीच वाले कलर्स मैच हो चुके हैं, अब हमें केवल कोने सॉल्व करने हैं, तो कोने देख लेंगे हमारे कोई सॉल्व है या नहीं। जैसे कि ये देखिए रेड ग्रीन और येलो, तो ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन और येलो, ये पीस अपने सही जगह पर है बट चलते कि ये गलत डायरेक्शन में है, तो हमें पहले अपने पीसेस को सही जगह पर लाना होगा। इसके लिए हम ये प्रोसेस करेंगे, इस हाथ से एक बार ऊपर करेंगे, इसे इस तरफ घुमाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे फिर वापस ले आएंगे ताकि हमारा कलर्स जो बिगड़े हैं वो सॉल्व हो जाए और इसे वापस ले आएंगे और ये भी अपनी जगह पर ले आकर वापस ले जाएंगे और बीच वाले कलर्स को मैच कर लेंगे। तो हमारे ये कलर्स अभी भी सॉल्व नहीं हुए, ये हमारा सॉल्व था अभी भी सॉल्व है। सेम प्रोसेस करेंगे, इस हाथ से ऊपर, इसे वापस ले जाएंगे फिन और इसी के साथ हमारा देखिए ये दो सॉल्व हो चुका है। अब ये केवल दो पीसेस बचे हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे एक बार ऊपर लाएंगे, इसे दाई तरफ दो बार घुमाएंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, इसे एक बार दाई तरफ ऊपर लाएंगे, एक बार दाई तरफ, ये हमारा ब्लैक सॉल्व हो गया है और इसे नीचे ले जाएंगे। अब इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे बाईं तरफ से, बाईं तरफ से ऊपर, इसे दो बार बाईं तरफ से घुमाएंगे, एक बार इसे नीचे ले जाएंगे, फिर इसे बाईं तरफ एक बार घुमाएंगे, इसे वापस ऊपर ले आएंगे और इसे वापस
लेयर में। इसके साथ हमारा तीसरा लेयर भी सॉल्व हो चुका है और हम पूरा क्यूब सॉल्व कर चुके हैं।